अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमें उम्मीद है कि हमारी आप रेसिपी भी देख रहे होंगे। आज हम फिर नई रेसिपी लेके आए हैं, दही बड़ी की रेसिपी आज आपको बताएंगे। तो चलिए अपने शेफ़ के तरफ, उनसे इंग्रेडिएंट्स भी जानते हैं और उसको बनाने का तरीका भी जानते हैं। दही बड़े बनाने के लिए मैंने ओवर नाइट सोख करके रखी हुई थी दाल। आप 3 से 4 घंटे भी इसको सोख करके रख सकते हैं। उड़द की दाल है ये, मैंने दही लिए है। इसमें हम थोड़ा सा पीसी हुई शक्कर ऐड कर देते हैं। मैं ऐड करी इसमें 2 टेबलस्पून शुगर है पीसी हुई। आप चाहे तो इसमें अपने हिसाब से, जैसे आप पसंद करते हैं वैसे कर सकते हैं शुगर, पर इसमें थोड़ी ज़्यादा शुगर ही अच्छी लगती है। 2 से 3 टेबलस्पून इसको हम अच्छे से झेल लेते हैं। ये हमारा हो चुका है दही, अच्छे से बहुत स्मूथ टेक्सचर आ गया इसमें। अब हम इसको साइड में रख देते हैं और हमारी ये जो दाल है इसका पानी निकाल के हम इसे ग्राइंड करेंगे। हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं, थिक पेस्ट में हमें इसे ग्राइंड करना है। ये हमारा सारा पिस गया है, देखो हमने ग्राइंड कर दिए सबको। एक भी जो दाल है वो अखी नहीं होनी चाहिए, वरना फिर आपके जो बड़े हैं वो क्रिस्प मतलब कड़े बनेंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे। तो हमें अच्छे से इसे बहुत अच्छा सा पेस्ट बनाना है। अब हम इसे कैसे फ्राई करते हैं बड़े को देखते हैं। हमारा तेल गर्म हो रहा है, फिर हम इसे फ्राई करेंगे। इस पेस्ट में हमें थोड़ा सा नमक डालना है, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे हम इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक को। अच्छे से मिक्स हो गया हमारा नमक। अब हम इसे फ्राई करेंगे। हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। इस तरह से इतना बड़ा हमें लेना है, देखो इस साइज का लेना है हमें, और हम फ्राई करेंगे। हमारे बहुत ही सॉफ्ट जैसे फूल रहे हैं और इसमें सोडा हमें ऐड नहीं करना है, जैसे बहुत अच्छे फूल जाते हैं और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आप स्पून का यूज़ भी कर सकते हैं। हमें इसे अच्छा गोल्डन ब्राउन करना है, गोल्डन कलर के हो जाए तो हमें इसमें निकाल कर सीधे, ये हमने पानी लिया है पतीली में, सीधे हमें इस पानी में डाल देना है गर्म। देखिए हमारे गोल्डन कलर के हो गए हैं, हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है और इस तरह से हम इसे निकालेंगे और हमें इसे पानी में डाल देना है। इसी तरह से हम पहले सारे फ्राई कर लेंगे, फिर आपको बताते हैं कि आगे हमें कैसे क्या प्रोसीजर है। हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स जो डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं आप वहाँ से आराम के। अब ये लास्ट है हमारा, इसे हम निकाल देते हैं। हमें वापस क्या, एक एक जब आप निकालें तो आप वापस इसे हमें ढकना होता है। ये हमारा सारा जो है वो हो चुके हैं फ्राइड। अब इस पानी में से जब आपके सारे फ्राइड हो जाए तो इस पानी में से आप वापस निकाल के किसी ट्रे में, या मैंने तो इस तरह से पैन लिया है, पतीली का यूज़ किया है, आप इसमें अच्छे से इस तरह से सजा दीजिए इसे।
ये हमारा रे इस पे हम ये जो हमारी दही थी शक्कर जिसमें हमने मिक्स किए थे ये दही हम इसके ऊपर ही इस तरह से अच्छे से डाल देंगे। सारे हमारे अच्छे से कवर हो जाए इस तरह से अच्छे से हमें डालना है दही। अब हम इसमें ऐड करते हैं हमारे इमली का पानी, इमली की चटनी है ये, इमली और गुड़ की चटनी। हमारे चैनल में इसकी भी रेसिपी है तो हम इमली की चटनी ऐड करते हैं। इसमें ऐड करते हैं चाट मसाला, अब अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है हमें। ये हमारा ज़ीरा और धनिया, रोस्टेड ज़ीरा और धनिया ग्राइंड किया हुआ है, आप ये ऐड कर दें इसमें। हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि इसमें चाट मसाला है तो हम थोड़ा ही लाल मिर्च पाउडर को का यूज़ करेंगे। अब हम इसके ऊपर बघार करेंगे ये हमारे पैन में। हम ये अब हम इसमें सारे मसाले डाल चुके हैं, हम इसके ऊपर बघार करेंगे। हम बघार के लिए 3 से 4 आखी कश्मीरी लाल मिर्च, राई, ज़ीरा और कड़ी पत्ता इसका बघार करेंगे। हमने पैन में थोड़ा सा तेल ले लिया है, ये भी हमारा अच्छा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पहले ऐड कर लेंगे ज़ीरा और राई। फिर इसमें हम ऐड करेंगे हमारी आखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता। जब लाल मिर्च का कलर थोड़ा चेंज हो जाए तब हम इसमें बघार कर देंगे। देखिए हमारा जो कलर है चेंज हो चुका है लाल मिर्च का, अब हम इस पर बघार कर देंगे। ये हमारा रेडी है, बिल्कुल तैयार है हमारा बनके, और इसको 5 से 10 मिनट बाद हम सर्व करेंगे। थोड़ा ढककर इसे रख देंगे 5-10 मिनट के लिए। बस ये हमारा जो दही बड़े हैं वो तैयार हैं। देखिए अब कितने सॉफ्ट है माशाल्लाह। मैं ट्राई करता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं, सॉफ्ट भी हैं, और इसके अंदर जो लास्ट में जो बघार दिया है राई और कड़ी पत्ता और जो आखी मिर्च जो बघार हुआ था लास्ट में, उससे इसका टेस्ट और ज़बरदस्त ये बन गया है। तो आप बस इसको ज़रूर ट्राई करें। अब यहाँ पे हम लोग हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं। आप हमारे दुआ करें, हम आपके दुआ करेंगे इंशाल्लाह। ज़िंदगी तो फिर मुलाकात भी होगी, और आप हमारे रेसिपी चैनल दोनों को देखते हैं, मतलब चैनल भी देखें और उसमें रेसिपी तो आ ही रही है। तो बस यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं, और आप सबको अल्लाह ताला हिफ्ज़ अमान में रखें। अल्लाह हाफिज़।